देश में जब पहली बार लॉकडाउन लगा उसके बाद से ही ये हालात बने कि लोगों को रोजी रोटी का संकट सताने लगा। छत्तीसगढ़ में उस लॉकडाउन के खुलने के बाद एक और लॉकडाउन लग गया, लेकिन देखिए इस लॉकडाउन ने लोगों की हालत कैसी की है कि ये जो आप ऑटो देख रहे हैं ये लगभग उस वक्त से ही यहाँ खड़े हैं जब जनता कर्फ्यू लगा था। 4 महीने लगभग हो चुके हैं ये ऑटो यहीं खड़े हुए हैं और जिनके दम पर इनकी रोजी रोटी चलती थी, इस ऑटो के दम पर जिन लोगों की, उनके हालात ऐसे हैं कि वो घरों से निकलकर केवल एक समय व्यतीत करने के लिए इस ऑटो पे आके बैठते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ कुछ तो जीवन में चलायमान है, कुछ तो गतिशील है भले ही ऑटो के पहिए गतिशील ना हो। क्या नाम है आपका? राजू साह। राजू, आप इस ऑटो को चलाते हैं? हाँ। तो ये लॉकडाउन के बाद से जो स्थिति बनी है कैसे चल रहा है आप लोगों का घर? कैसे चल रहा है सर, घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आ जाते हैं, एक आध बुकिंग मिल जाएगी तो हमारे घर का खर्चा पानी चल जाएगा। गाड़ी चलने की परमिशन तो है ही नहीं? नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट रहते हैं तो ले जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये देखिए कि ये इसमें एक बात ये है कि ये एम्स रायपुर के बाहर ये ऑटो खड़ा हुआ है, ऐसे ऑटो कई जगह खड़े हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पे गुंजाइश ये रहती है कि अगर मरीजों को शिफ्ट करना है, जैसे COVID-19 के मरीज हैं या दूसरे मरीज हैं जहाँ अस्पताल प्रबंधन से ऐसे आदेश है कि उन्हें वापस ले जाना है उनके घरों की ओर, तब उन्हें यहाँ पर थोड़ी राहत मिल जाती है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। बाकी जो आपके दूसरे ऑटो जो संघ के जो साथी हैं उनके हालात कैसे? पूरे सब पहिए थमे हुए हैं? जी बिल्कुल, सब पहिए थमे हुए हैं। जैसे मेरे दोस्त लोग भी हैं, अभी लोग भी तो अब यहाँ पर 2 से 3 ऑटो के ज्यादा निवारे नहीं है, अब इससे ज्यादा निवारे तो हम लोग को भी भगा देगा यहाँ से, तो हालत खराब है। कुछ ऐसे संस्थान है जहाँ पर लोगों को कई समय से वेतन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन एक तबका ये भी है जो लगातार मेहनत मजदूरी करके मेहनत कश तरीके से अपना रोजी रोटी चलाता था, अपना घर चलाता था, लेकिन स्थिति ये बनी है कि लॉकडाउन के बाद इनके पास घर चलाने तक के पैसे नहीं हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वीरेंद्र प्रकाश सिंह के साथ धीरेंद्र गिरी गोस्वामी।